बॉलीवुड सेलिब्रिटी होम टूर करने, जो कि उसमें से एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी एक्ट्रेस बहुत ज्यादा फेमस है, कियारा आडवाणी जी, जो कि आज उनका शादी है सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ, जो कि आप लोगों को दिखाऊंगा कि उनका घर कहां पे है। यूट्यूब पे अभी कोई भी वीडियो उनका नया घर का शूट नहीं किया है, पहली बार मेरे चैनल पे उनके घर का वीडियो आ रहा है गाइस। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं विकास, आप देख रहे हैं विकास डेली ब्लॉग, एंड फुल एड्रेस भी बताऊँगा कहाँ पर स्थित है, एंड चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो दोस्तों, यहाँ पर हमारी ट्रेन भी आ चुकी है, देख सकते हो, एंड मैं और मेरा फ्रेंड यहाँ पे आए हैं। सेंटा क्रूज स्टेशन है ये, देख सकते हो, यहाँ से हम लोग बैठेंगे, फिर उतरना है हम लोग को महालक्ष्मी स्टेशन। तो चलते हैं, आप लोग को ट्रेन में मिलते हैं, एंड फिर वीडियो को करेंगे वहाँ से कंटिन्यू। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. सो दोस्तों, अभी फिलहाल मैं आ गया हूँ महालक्ष्मी स्टेशन, सेंटा क्रूज से महालक्ष्मी। ये देख सकते हो गाइस, ये महालक्ष्मी स्टेशन का बोर्ड है, जो कि आप लोग को फिलहाल मैं महालक्ष्मी के आगे दिखा। सो गाइस, अभी फिलहाल मैं आ गया हूँ, ये देख सकते हो, ये है महालक्ष्मी स्टेशन के बाहर का सीन, और महालक्ष्मी के स्टेशन से 10 मीटर की दूरी पर मैं खड़ा हूँ। ये देख सकते हो, ये पूरा महालक्ष्मी वर्ली का सीन है, और ये बिल्डिंग जो दिख रहा है आप लोग को, ये बिल्डिंग के अपने को पास जाना है। और ये अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा 50 मीटर की दूरी पे आ गया हूँ, देख सकते हो, ये आप लोग को बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड से आप लोग को ये अंदर के साइड आना है, जो कि ये रोड है, और अपने को आगे से ये देख सकते हो जो बिल्डिंग दिख रही है, इसके जस्ट बगल में अपने को जाना है गाइस। और यहाँ से देख सकते हो, ये वाला रोड आप लोग को यहाँ से लेना है लेफ्ट से आप लोग को आगे लेना है राइट। और देख सकते हो, फिलहाल अभी मैं फिर से आ गया हूँ एक साइड के मोड़ पर, जो कि 50 मीटर की दूरी पे, और ये जो आप लोग को रोड दिख रहा है, इस रोड में जाना है अपने को, यहाँ से 50 मीटर। आप लोग जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हो, ये है कियारा आडवाणी मैम का, जो कि आप लोग किस चीज़ में बिल्डिंग में रहते हैं, आप लोग एक्सप्लोर कराऊंगा कि कैसा वो बिल्डिंग दिखता है गाइस। चलते वीडियो को स्टार्ट। सो दोस्तों, मैं फाइनली पहुंच गया हूँ कियारा आडवाणी मैम के घर के पास। ये देख सकते हो गाइस, ये है कियारा आडवाणी मैम का घर, और दो दो लग्जरी बिल्डिंग यहाँ पे दिख रही है, देख सकते हो, एक और दो, जो कि बिल्डिंग यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी ऊंची इमारत है गाइस। और यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आप लोग को बिल्डिंग दिख रही है, इस बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पर रहती है कियारा आडवाणी मैम, आप लोग को इस वीडियो में पूरा जानकारी मिलेगा। फिलहाल अभी ये देख सकते हो गाइस, ये है बिल्डिंग का नाम, जो कि प्लेनेट, जो कि बिल्डिंग का नाम है प्लेनेट गोदरेज। और फिलहाल आगे आप लोग को बताऊंगा मैं कि इस बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पे, कौन से मंजिल पे इन्होंने नया घर लिया है। ये देख सकते हो, ये बिल्डिंग जो है पूरी लग्जरी है, जो कि 50 से 60 मले की बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पे इनका घर है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं गाइस। तो अभी फ़िलहाल वीडियो के लास्ट में मैं थोड़ा, मतलब वीडियो के बीच में बता दूँगा, फ़िलहाल अभी तो वीडियो को पूरा देखते रहना। सो दोस्तों, ये जो वीडियो शूट हो रहा है, ये शूट हो रहा है 6 फरवरी को, एंड इनका 6 फरवरी को आज ही के दिन शादी था, बट इनके किसी पर्सनल के रीजन, इनका कुछ रीजन था पर्सनल, जो कि इनका पर्सनल रीजन अगर जानना है तो आज तक को फॉलो करो, वहां पे आप लोग को पूरा जानकारी मिल जाएगा। बट इनके किसी पर्सनल रीजन की वजह से 6 तारीख को शादी नहीं हो पाया, इनका 7 फरवरी को शादी है, आई थिंक कल शादी है, ये वीडियो अभी कल आ जाएगा फाइनली। ये देख सकते हो, इसी बिल्डिंग के 17वीं मंजिल पे कियारा आडवाणी मैम रहती हैं गाइस। ये देख सकते हो पीछे का सीन है, जो कि महालक्ष्मी स्टेशन से ये घर दिख रहा था आप लोग को, वहाँ पे फ़िलहाल मैं वहाँ पे बताया नहीं, क्योंकि आप लोग को पूरा जानकारी देना था मुझे। और ये जो रोड जाता है, ये जाता है महालक्ष्मी स्टेशन, यहाँ से 950 मीटर की दूरी पर महालक्ष्मी स्टेशन है। फ़िलहाल ये देख सकते हो, इसी घर में कियारा आडवाणी मैम सिद्धार्थ मल्होत्रा जी के साथ आने वाली हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा का शादी है, जो कि वीडियो का यहीं पे एंड करते। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय, टेक केयर, ढंग से रहिए, बाय, जय हिंद।